हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं मसाला तरीदार मटन। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है प्याज, लहसुन, अदरक और दालचीन, इलायची, तेजपत्ती और अनासी का फूल, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ धनिया, हरी धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च, गोटा और गोटा जीरा, हल्दी, नमक और पिसा हुआ अदरक, लहसुन, इसमें थोड़ा सा दालचीनी, इलायची और अनासी का फूल इसमें पिसा हुआ है, तो ये है उसका पिसा हुआ, और आलू। चलिए गैस ऑन करते हैं। हमारा प्रेशर कुकर अच्छा तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा गोटा जीरा डालेंगे, और फिर तेज पत्ती। इसके बाद सूखा मिर्ची डालना चाहिए, लेकिन सूखा मिर्च हमारे घर में कोई खा नहीं रहे, इसलिए मैं सूखा मिर्च नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज, गरम हो जाने के बाद खड़ा मसाला भी डालते हैं, लेकिन जो खड़ा मसाला डालना चाहिए वो ऐसे तरी में निकलने से हम तो फेंक देते हैं, इसलिए मैंने खड़ा मसाला तेल में नहीं डाला है। उसी जो जो खड़ा मसाला हम इसमें डालते हैं खुशबू के लिए, उसी को मैंने जो अदरक, लहसुन और जो पेस्ट बनाए हैं उसी में डाल दिया है, वही खड़ा मसाला को, दालचीनी, इलायची और जो अनासी का फूल होता है उसको तेल में ना डाल के हम अगर पेस्ट बना ले तो सेहत के लिए कुछ बुरा नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैंने कम तेल डाला था, क्योंकि जो मैंने मटन को मैरिनेट करके रखा है वो बाद में बताऊंगी, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला हुआ है, इसीलिए ये प्याज में थोड़ा सा तेल को कम कर दिया है। प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिसमें प्याज का कड़वी स्मेल निकल जाता है और प्याज को जल्दी फ्राई होने में मदद करता है नमक। देखिए अभी प्याज सुनहरी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम मिर्ची का पाउडर डाल देंगे लाल होने के लिए, क्योंकि तेल गर्म होने के बाद पहले उसमें चीनी डालते हैं थोड़ा सा रेड कलर आने के लिए, लेकिन हम तो चीनी थोड़ा सेहत के लिए अच्छा नहीं है उसको, इसीलिए हम नहीं डाला था। इसीलिए जब प्याज गोल्डन कलर हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा हम मिर्ची का पाउडर डाल देने से कलर आता है उसमें। अभी देखिए प्याज पूरा लाल हो चुका है, तो इसमें हम अभी डालेंगे ये पेस्ट, 3 इलायची, 2 छोटा छोटा दालचीनी और अनासी फूल थोड़ा सा डाल के मैंने इसको पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन के साथ, इसको इसमें डालते हैं। ये जो गरम मसाला है हमारा, दालचीनी, इलायची, ये सेहत के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं,
हमको भी पता है, दालचीनी जो है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, इसलिए सुबह खाली पेट दालचीनी खाने के लिए थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी मुंह में लेके उसको चबा चबा के खाने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दालचीनी और इलायची ये सब ग्राइंड करके इसमें डाल के खाने से अच्छा होता है। इसमें फिर हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, इसमें फिर टमाटर डालेंगे। अभी हमारा मसाला अच्छी तरह से कस चुका है, इसमें हम थोड़ा सा अभी डालेंगे पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर को पहले डालना नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये अच्छे तरह से अगर कस जाता है मसाला में तो वो उसका खुशबू थोड़ा अच्छा नहीं आता, इसलिए मसाला पूरा अच्छे तरह से पक जाने के बाद जीरा पाउडर डालते हैं। मसाला अच्छे तरह से पक चुका है तो इसमें अभी जो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था मटन, ये मटन को हम डालेंगे। इसमें मैंने सरसों का तेल और नमक, हल्दी और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ा था। विनेगर तो डालते हैं लेकिन हर टाइम विनेगर है ऐसा कोई घर में ज़रूरी नहीं है, तो नींबू है तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसको मैरिनेट करके मैंने एक घंटा पहले रखा था। फिर इसमें हम आलू डाल देते हैं, जो जितना आलू पसंद करते हैं उसी के हिसाब से आलू डालना, क्योंकि हम चिकन में और मटन में सभी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा आलू डालते हैं, वो आलू का टेस्ट भी इतना अच्छा आता है, बहुत आलू का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। फिर टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे पूरा। क्या है इसको हम ढक के रखेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, जो नमक डाला हुआ है उसमें ही पानी निकल के ये पकेगा धीरे धीरे। थोड़ी थोड़ी देर ढक के रखेंगे फिर उसको हिला के हम देखेंगे पका है या नहीं। दो दो मिनट गैप में हम इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो नीचे से हमारा जल जाने की संभावना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको पकाएंगे, गैस को मिडिल में रखेंगे, ज़्यादा हाई में रखने से जल जाता है। यह अभी पक चुका है, इसको ज़्यादा इसमें गैस के ऊपर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से जो हम उसको मैरिनेट करके रखा था ये सॉफ्ट होने के लिए मैरिनेट कर देने से वो सॉफ्ट हो चुका है, इसीलिए ये जल्दी हो जाएगा। हम अभी थोड़ा सा मीट मसाला डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा बॉईल करके फिर पानी डालेंगे। हम पहले से गरम पानी करके रखे थे, फिर डाल देंगे इसमें। ठंडा पानी डालने से हमारा जो एक खुशबू है चला जाता है, इसलिए गर्म पानी अच्छा होता है। हम ये तरीदार मटन बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा पानी होने से तरी बनता है तो अच्छा सूप बनता है। हम प्रेशर को सीटी के लिए बंद कर देते हैं,
अभी 5 सीटी आ चुका है और इसमें थोड़ा सा सीम में हम रख दिया है। अभी हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे लास्ट में, धनिया पत्ता डाल देंगे।